राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने हरियाणा के नूह मेवात में हुई हिंसा पर बोलते हुए कहा कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा नहीं चाहते हैं, वही लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। रुड़की पहुंचे राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने मेवात की घटना पर गहरा अफसोस जताते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण मेवात में बड़ी घटना घटी, जिसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। शेर सिंह राणा ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान और चीन की एजेंसी भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसी तर्ज पर कुछ हिंदू संगठनों में खुराफाती लोग मौजूद हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा नहीं देखना चाहते हैं, वहीं लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, जहां सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे और आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ ताकतें इस देश की तरक्की से नाखुश हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठनों में काफी अच्छे और बेहतर सोच रखने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ खुराफातियों के कारण मेवात में बड़ी घटना घटी, जबकि इससे पहले भी इस तरह की यात्राएं निकाली जा चुकी हैं। इस बार भी ऐसा क्यों हुआ जो दंगे की नौबत तक आ गई? उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम के बीच ऐसा आपसी सौहार्द बने कि दूसरे देश भी उससे सबक ले सकें। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो हमारे बहुत सारे संगठन हैं, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और भी अनेक संगठन हैं, वो लोग क्या चाहते हैं? क्या वो वही चाहते हैं जो पाकिस्तान की ISI या जो चाइना की एजेंसी है वो चाहते हैं हमारे देश में? अगर आप इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो ये चाहती हैं कि भारत के अंदर दंगे हों, हिंदू मुसलमान में आपस में ना बने और यहाँ पर लड़ाई होती रहे, और जिसके कारण इन दंगों के कारण जो है जो हमारा देश लगातार जो है तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, लोग यहाँ डरने लगे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो डरने लगे हैं कि भारत में फैक्ट्रियाँ ना लगाएं। तो अगर हम इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं और उसमें हम लोग वही काम कर रहे हैं जो दूसरे देश की एजेंसियां चाहते हैं, तो हमें विचार करने की ज़रूरत है, क्या हम देशभक्त हैं? तो इसीलिए मैं अपने भाइयों से ये चाहूँगा कि देखिए, अगर नूह में जो घटना हुई है वो कई वर्षों से वहाँ पे यात्रा निकाली जा रही थी, अगर मुसलमान इस वजह से वहाँ पे दंगा कर रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को यात्रा नहीं निकालने देंगे, तो फिर मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ और सख्त से सख्त उनके साथ जो है जो भी हो सकता है वो किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये कई वर्षों से यात्रा निकल रही थी, कभी कोई डिस्प्यूट या कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इसी बार क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि कुछ खुराफाती लोग जो इन संगठनों से भी वास्ता रखते हैं, इस संगठन में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत धार्मिक लोग हैं, लेकिन कुछ खुराफाती लोग जो इस तरह की बात बोल रहे थे कि भाई तुम्हारे जीजा आ रहे हैं या फिर तुम अपने दामाद का ध्यान रखो, हम आ रहे हैं, तो उस कारण से जब आप किसी को चैलेंज करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर प्रतिक्रिया होगी और माहौल भी खराब होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।